Hello viewers, welcome to our channel Sena Abhyas. Please subscribe to our channel and press the bell icon for more such online concise classes. Here are the answers for Anglo-Maratha War video. And if you haven't seen the video yet, please click on the link above. Jai Hind dosto, mera naam hai Rajiv Yadav aur aap mujhe sun rahe hain Sena Abhyas ke YouTube educational channel par. Modern Indian history ki short aur concise video lecture series shuru ki hai, jisme aaj ka hamara topic hai 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। इस क्रांति से पहले ऐसा नहीं है कि ये पहली बड़ी क्रांति है, इस क्रांति से पहले बहुत सारी क्रांति हो चुकी है या बहुत सारी छोटी छोटी रिवेलियंस हो चुकी हैं, सिविलियन रिवेलियंस भी हो चुकी हैं, पीजेंट रिवेलियन भी हो चुके हैं और ट्राइबल रिवोल्ट भी हो चुके हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये पहला रिवोल्ट है, ये पहला बड़ा रिवोल्ट है ऐसा हम बोल सकते हैं। कई सारे इससे पहले रिवेलियंस हो चुके हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ईस्टर्न इंडिया में देखें तो कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, सन्यासी रिवेलियन, शुआर रिवेलियन, इसको चुआर रिवेलियंस भी बोलते हैं। अगर हम डीप साउथ में जाएं तो दीवान बेरुथम्पी का रिवोल्ट होता है, मालाबार में रिवोल्ट होता है, तमिलनाडु के पोलिगार्स का रिवोल्ट होता है, कई सारे रिवोल्ट, त्रावणकोर में भी रिवोल्ट होता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, वेस्टर्न इंडिया में भी रिवोल्ट होते हैं, पीजेंट रिवोल्ट होते हैं, उनके साथ साथ ट्राइबल रिवेलियंस या ट्राइबल रिवोल्ट्स भी होते हैं। दरअसल है क्या, 1857 को हम ज्यादा तवज्जो क्यों देते हैं? 1857 की क्रांति एक मेजर या बड़ा टॉपिक है रिवेलियन के दृष्टिकोण से, हम इसको पहली बड़ी क्रांति मानते हैं। तो इसमें कई सारे नॉर्थन इंडिया के अलग अलग बड़े बड़े समुदायों के लोग शामिल होते हैं, कई सारे देसी रियासतें शामिल होती हैं जिनकी जमींदारी अब जा चुकी है, कई सारे जमींदार जो पहले जमींदार थे वो अब जमींदार नहीं रहे, एक लॉ था सनसेट लॉ, उसके तहत उनकी जमींदारी चली जाती है, वो शामिल होते हैं, पुरानी रियासतें शामिल होती हैं जिन रियासतों को अलग अलग ब्रिटिश पॉलिसीज के द्वारा छीन लिया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य में जोड़ लिया जाता है। उदाहरण के लिए सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो वो सारे लोग जो इनसे प्रभावित हुए हैं, ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित हुए हैं, उनके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग पहलुओं से उनको नुकसान हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग कदमों से जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो सारे लोग शामिल होते हैं। मैंने जमींदारों का नाम लिया तो एक लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम आया था जिसमें हम तीन सेटलमेंट पढ़ते हैं, जमींदारी सेटलमेंट जिसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, हम रैयतवारी सेटलमेंट या रियोतवारी सेटलमेंट सिस्टम भी पढ़ते हैं, इसके अलावा हम महलवारी सिस्टम भी पढ़ते हैं। इन सिस्टम तीनों में कोशिश ब्रिटिश की ये थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जमींदारों के माध्यम से भारत से लिया जाए, इकट्ठा किया जाए और ब्रिटिश अपने पास उसको जमा कर पाए। अब अलग अलग ये माध्यम थे तीनों जिनसे ब्रिटिश को कम से कम इन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में शामिल होना पड़े और ज्यादा से ज्यादा तय समय सीमा पर, निर्धारित अवधि पर उनको एक निश्चित राशि इकट्ठी अपने आप मिल जाए। अब ये करेंगे कौन? ये करेंगे जमींदार। तो एक लॉ आया सनसेट लॉ जिसके तहत एक निश्चित तारीख को शाम तक पूरा पैसा ब्रिटिश तक पहुंचाया जाना होता था उन जमींदारों के द्वारा। एक सिस्टम भी शुरू हुआ था 10/11, 1/11, तो इसमें हम नहीं जा रहे क्योंकि हम पूरा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। हमें मोटा मोटा ये समझना है कि ये जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, अंग्रेजों ने जो नाम दिया है दरअसल वो नाम नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा तरीके से निचोड़ना है, उनसे जितना पॉसिबल हो सके उतना राजस्व जमींदारों के माध्यम से कलेक्ट करना है, क्योंकि अगर जमींदार अपने लठेतों के माध्यम से टैक्स कलेक्ट करते हैं तो ये आसान होगा, बजाय अगर ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश फौज या ब्रिटिश पुलिस आके वो कलेक्ट करे लैंड रेवेन्यू। ओके, तो ये था वो सारे जमींदार जो पहले पुराने जमींदार रहे थे, अब चूंकि वो उतना नहीं जमा कर पाए तो उनकी जगह दूसरे लोगों ने ले ली, जिनको हम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं, ऐसे लैंडलॉर्ड जिनका उन गांवों से, उन जगहों से कोई सीधा ताल्लुकात नहीं है, जो अब इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं, जो कहीं और रहते हैं, यहां से टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने दलालों को रख रखा है। तो ये हुआ दूसरा ग्रुप जमींदारों का जो इससे शोषण जिनका हुआ है।
या जिनकी जमींदारी जा चुकी है वो भी शामिल होते हैं, देसी रियासत है जिनकी रियासतें जा चुकी हैं वो भी शामिल होते हैं, और मेन चूंकि हम पढ़ते हैं इट वॉज अ सिपाही म्यूटिनी, चूंकि ये सिपाही म्यूटिनी है तो सिपाहियों को या फिर हमारे फौज को या हमारे पुलिस को जो इंडियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल या कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वो इसमें बड़े पैमाने पे शामिल हैं। अगर हम जानना चाहें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन सिपाहियों को रास नहीं आ रही जिनकी वजह से ये अपना झंडा रिवोल्ट का या रिवेलियन का आगे खड़ा करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें, उदाहरण के लिए कोई इंडियन सिपाही दरोगा के पद से ऊपर नियुक्त नहीं किया जा सकता था, इसको हम सूबेदार भी बोलते हैं, यानी कोई बड़ा पद हिंदुस्तानी सिपाही के लिए नहीं है, सारे बड़े पद ब्रिटिश सिपाही ही ग्रहण करेंगे, तो पहला कारण ये हुआ। दूसरा, जो पे है, जो सैलरी है वो ब्रिटिश सिपाहियों की तुलना में इंडियन सिपाही को कम मिलेगी। इसके अलावा जो भत्ता है, एक्स्ट्रा अलाउंस जो है बाहर जाके सर्व करने के लिए, वो भी इनको कम मिल रहा है, ना के बराबर मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, उस समय समाज में ये मान्यता थी कि जो सिपाही समुद्र पार करके कहीं बाहर सर्व करने जाएगा वो रास्ते में आने वाली चीजें जो मिलेंगी वो उसका सेवन करेगा, तो उसको उस गांव से बेदखल कर दिया जाता था, उस जाति से बेदखल कर दिया जाता था। तो सोशल आउटकास्टिंग, ये सारी चीजें उस सिपाही को बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है, प्लस उसको उन सैन्य टुकड़ियों में बहुत ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क्स भी मिलते हैं। ये सारी चीजें उन सिपाहियों के लिए एक उन सिपाहियों के लिए एक एक्सक्यूज होता है कि हाँ वो इसमें आगे आए, और वही होता है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको बिल्कुल शुरू से, एक एक एपिसोड से। 10 मई 1857 को विद्रोह करते हैं सिपाही मेरठ में, 11 मई 1857 की मॉर्निंग में ये सारे सिपाहियों की एक टुकड़ी जो है ये अपने ब्रिटिश अधिकारियों के ऑर्डर्स को नहीं मानती और उनमें से कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर देती है। उसके बाद यमुना को, यमुना नदी को पार करके आगे आने आगे बढ़ती है और एक टोल प्लाजा में आग लगाती है। टोल प्लाजा में आग लगा के फिर ये वापस दिल्ली में प्रवेश करती है और दिल्ली में जाके लाल किले पे वहां के राजा बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित करती है। याद रहे ये बहादुर शाह जफर बूढ़े हैं और बहुत कमजोर हैं, ये खुद ब्रिटिश की पेंशन पे जी रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस 10 मई 1857 से पहले कई सारी डेट्स, कई सारी तारीखें ऐसी हैं जिनमें अलग अलग सैन्य टुकड़ियों ने या तो ब्रिटिश अधिकारियों की बात नहीं मानी या उनकी गोली चलाने वाली बात पे अमल नहीं किया, उसको आदेश नहीं माना, या उन्होंने रिवेल किया, या उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी। लेकिन यहाँ पे आके ये पूरी तरह गुस्सा फूट जाता है। ये सारे सिपाही अपने पुराने दोस्तों को, कॉमरेड्स को, जिनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनको सबको छुड़ाते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों को जो बीच में रास्ते में आते हैं उनकी हत्या भी करते हैं और वापस यमुना को पार करके दिल्ली लाल किले आते हैं। लाल किले क्यों आ रहे हैं, बहादुर शाह जफर के पास क्यों आ रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहादुर शाह जफर अभी भी मुगल राजा है, मुगलों में लोगों का भरोसा है कि मुगल एक अच्छी और बढ़िया सरकार बना हमारे लिए मुहैया करा सकते हैं ब्रिटिश की वजह से, ब्रिटिश की जगह पे। तो अगर उनको एक ऑल्टरनेटिव दिख रहा है मुगलों के नाम पे बहादुर शाह जफर, इसलिए वो आके अपने इस राजा में वापस से भरोसा जाहिर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1857, जो कि मई से बहुत पहले की बात है, ये घटना हमें पढ़नी है। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बहरामपुर की है ये मना कर देती है इनफील्ड राइफल के इस्तेमाल को। अब याद रहे इनफील्ड राइफल नई राइफल थी जो इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, और एक ऐसी अफवाह उड़ी थी कि इनका जो कारतूस है, जो ग्रीस कार्ट्रिजेस हैं, वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए हैं। गाय आपको पता ही होगा हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए इन ग्रीस कार्ट्रिजेस का यूज करना बिल्कुल सही नहीं था। इन कारतूसों को इनको दांत से चबाना पड़ता था, काटना पड़ता था, उसके बाद इनको राइफल में डालना पड़ता था। तो ये जो था ग्रीस कार्ट्रिजेस वाला इश्यू, ये बहुत बड़ा और इमीडिएट कॉज था 1857 की क्रांति का। हालांकि इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे कारण थे, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, मिलिट्री फैक्टर्स थे, रिलीजियस फैक्टर्स थे, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक नाम, एक व्यक्ति जो इस 1857 की क्रांति में
सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद करता है, नाम है मंगल पांडे। 6 अप्रैल को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको उनको शहीद, हम उनको बोलेंगे कि उन्हें शहादत मिली। ओके, 10 मई की बात है, मैं यहाँ पे 10 मई 1857 जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे सिपाहियों ने दे किल्ड देयर ऑफिसर्स एंड रिलीज देयर इम्प्रिजन्ड कॉम्रेड्स एंड रिवोल्टेड। वी हैव एक्सप्लेन दिस ऑलरेडी, सो नाउ मूविंग फर्दर। बहादुर शाह जफर, ही वाज प्रोक्लेम्ड एज किंग और एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वो एरिया जो प्रभावित था 1857 की क्रांति से, जो एरिया प्रभावित था वो मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया था। ये क्रांति पैन इंडिया स्प्रेड नहीं हुई थी, ये क्रांति जो है उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में सीमित थी, ये इसका एक लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस 1857 की क्रांति में, मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं। वो सारे जमींदार जो प्रभावित हैं, जिनकी जमींदारी छिन चुकी है, वो सब शामिल होंगे। वो सारे किसान जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज से प्रभावित हैं, जैसे जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, इसके अलावा रैयतवारी या रियोतवारी सेटलमेंट, इसके अलावा महलवारी सेटलमेंट, इनसे जो किसान प्रभावित हुए, जिनका शोषण हुआ है, वो सारे किसान वर्कर्स। वर्कर मैंने क्यों बोला, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में शुरू हो गया था, यहाँ के जो उद्योग थे उन उद्योगों को बंद कराने की ब्रिटिश पॉलिसी शुरू हो गई थी, उन उद्योगों को कम से कम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देना, उनको एक तरीके से बंद कर देना। तो ब्रिटिश नीतियां जो थी वो इंडियन फैक्ट्रीज को, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कतई नहीं थी। वर्कर्स को नुकसान हो रहा है, वो सारे आर्टिजन्स, वो सारे क्राफ्टमैन जो अलग अलग देसी रियासतों में काम करते थे, चूंकि अब वो रियासतें उतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं हो रही है, तो उनको काम मिलना बंद हो गया, तो अब वो एक तरीके से बेरोजगार है। ये सारे के सारे वर्कर्स क्वीन एंड किंग्स, जिनकी रियासतें छीन ली गई हैं, उदाहरण के लिए झांसी, सतारा। तो हम पढ़ चुके हैं कौन सी नीतियां हैं, वो नीतियां हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो नीतियां हैं सब्सिडरी अलायंस, यानी जिनको सब्सिडरी अलाई बना के उनका जो फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंस है, एक तरीके से चली जाती है। तो वो सारे लोग जो प्रभावित हैं वो शामिल होते हैं, मुस्लिम क्लरिक्स भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉजेज, क्या क्या मुख्य कारण है 1857 की क्रांति से, क्रांति के। मैंने बोला इमीडिएट कारण था ग्रीस कार्टेजेस, जो कारतूस वाला इशू हम इनफील्ड राइफल में पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो इमीडिएट कॉज था। ये पुराने बैकग्राउंड के सारे कॉजेस, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जिसमें हमने तीनों चीजें का जिक्र किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, महलवारी और रैयतवारी, इसके अलावा यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसीज, ब्रिटिश एक तरफा व्यापार की नीतियां तैयार करते हैं जिससे ब्रिटेन से चीजें यहाँ मैन्युफैक्चर होके आ सके, यहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा माल वहां जा सके, बजाय इसके कि यहाँ के कच्चे माल को यहाँ पे इस्तेमाल करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ये एक तरफा ब्रिटिश नीतियां हैं, जो नीतियां बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं इंडिया की इंडस्ट्रीज को, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इंडिया की उद्योगों को ले जाती है। अगला पॉइंट, जमींदारी कन्फिस्केशन, जमींदारी छीन ली जाती है, क्योंकि सनसेट लॉ के तहत एक निश्चित अवधि तक, निश्चित तारीख तक, अगर कोई जमींदार जिस रेवेन्यू को, जितने रेवेन्यू पे उसने वो जमींदारी ली है, जितने पे उसने वायदा किया है ब्रिटिश को, उतना नहीं जमा कर पाता है, तो उसकी जमींदारी छीन जाती है, किसी और को दे दी जाती है जो ज्यादा बड़ी बोली लगाता है, बिडिंग करता है। ओके, ब्रिटिश पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आदि। इंडियन सोल्जर्स, ये क्यों शामिल होते हैं, ये भी प्रभावित होते हैं। इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी मिलती है अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट के तुलना में, इनको कोई ऊंची पोस्ट नहीं मिलती, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, सूबेदार से बड़ी कोई पोस्ट इनको नहीं मिलती, मैक्सिमम पोस्ट जो है वो है सूबेदार की, कोई पेंशन नहीं मिलता, कोई एक्स्ट्रा भत्ता नहीं मिलता। अगर वो काम अपने देश इंडिया से बाहर जाके भी ब्रिटिश सेना में शामिल होके अगर वो अपना योगदान देते हैं तब भी उनको कोई एक्स्ट्रा भत्ता नहीं मिलता। ध्यान रहे, एक जो समाज में प्रचलन था कि अगर वो सी क्रॉस करते हैं तो ये पाप है, या वो रास्ते में आने वाली हर चीज का सेवन करेंगे, तो ऐसे में उनको उनकी जाति से बेदखल होने का एक डर रहता था, और यहाँ तक कि उनके खुद के जो लोग थे, जो उनके खुद के साथी थे सेना में,
वो सारे लोग भी बैरक में उसका उस तरीके से स्वागत नहीं करते थे क्योंकि उसने बाहर सर किया है। ओके आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश जो ब्रिटिश थे वो रेशियलिज्म की भावना से बुरी तरीके से मैं बोलूंगा कि बीमार थे। इसका मतलब ये है उनके लिए व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी या रेशियल सुपीरियोरिटी सबसे ऊपर थी। उन्हें लगता था कि जो व्हाइट मैन है जो गोरे लोग हैं वो साम्राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं, जबकि ये जो चीज थी ये आगे आने वाले टाइम में बहुत बुरी तरीके से खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। कब? जब हम आगे पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि जापान ने रशिया को हराया। तो ये सारी चीजें ये थी कि जिसमें एशिया के लोग भी गोरे लोगों को हरा सकते हैं, पर अभी पीछे की बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेशियलिज्म से ये लोग सफर कर रहे हैं। सफर शब्द मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इन लोगों को सिर्फ ये लगता है कि ब्लैक्स आर देयर टू सर्व द व्हाइट मैन। सो गोरे लोग जो है वो पैदा इसलिए हुए हैं कि वो क्या करेंगे, रूल करेंगे। दूसरा है क्रिश्चियनिटी, ये बढ़ावा देते हैं कन्वर्जन को, क्रिश्चियनिटी में बढ़ावा देते हैं कि यहां से ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरी आए और वो क्रिश्चियन मिशनरी सिपाहियों को, सोल्जर्स को और बाकी सिविलियंस को कन्वर्ट करें क्रिश्चियनिटी में। इसके लिए ये लोग एक अधिनियम भी पास करते हैं जिस अधिनियम का नाम है लेक्स लोकी एक्ट 1850। इसके तहत क्या होता है, वो सारे लोग जो क्रिश्चियनिटी में तब्दील होते हैं, जिनका कन्वर्जन होता है, उनको अपनी पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। अमूमन होता क्या है कि कोई लड़का जो हिंदू है उसने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया तो उसके पिता जो हिंदू है वो बोलेंगे मेरी जायदाद में तेरा आपको हिस्सा नहीं, तूने धर्म चेंज किया है। लेकिन इस एक्ट के तहत धर्म चेंज करने के बाद भी उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। तो ये एक तरीके से बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीति है कन्वर्जेंस को। अलग अलग क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं, इंटरफेयर करती हैं हिंदुइज्म में और हिंदू को कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं। सिपाहियों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर था जिसने उनको मोटिवेट किया विद्रोह करने के लिए। अगला वर्ल्ड इवेंट्स, दुनिया में कुछ घटनाएं होती हैं जैसे पंजाब वॉर 1845-49, क्रीमिया में युद्ध होता है क्रीमियन वॉर 1854-1856, संथाल रिवेलियन, संथाल जो है कबीला वो विद्रोह करता है 1855-57 में, और पहला अफगान वॉर होता है 1839-1842। ये जो वॉर है ये एक तरीके से ब्रिटिश को सेटबैक देते हैं। तो ये सारी चीजें मोटिवेट करती हैं इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन सिपाहियों को म्यूटिनी करने के लिए, विद्रोह करने के लिए 1857 के रिवोल्ट में। अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा आता है एग्जाम्स के लिए वो है लीडर्स कौन कौन थे जिन्होंने लीड किया नॉर्दर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे 1857 की क्रांति में। कानपुर में है नाना साहेब, दिल्ली में बख्त खान। वैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये हो रहा था लेकिन रियल जो लीडर था वो था बख्त खान जिसके अंडर में मिलिट्री थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, मैंने ब्रिटिश कादर इसलिए लिखा क्योंकि ब्रिटिश कादर की एज कम थी और ब्रिटिश कादर के ब्याह पे बेगम हजरत महल लीड करती हैं लखनऊ में। ओके बरेली में खान बहादुर, जगदीशपुर में जो अर्रा के पास है बिहार में वहां कुंवर सिंह और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में आप सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई इस आंदोलन को लीड करती हैं। तो ये था 1857 की क्रांति। जय हिंद।